जगत में भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मां भीड़ पड़ी है भारी। दानव नर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। शरण लगा जगदीश, सब कुछ है तेरा, तेरा से मेरा। ओम जय ईश्वर भगवान की जय। ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत, और कनक समान कले हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित ना सागरे मोती। जरूर देखा परवाली तेरे ही गुण गावे मारती। हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ और आ गई हूँ आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है और के घरों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और बहुत सारी जगह आज हरेला भी बोया जाता है। आज ही के दिन पहली नवरात्रि आज है, तो सारी घर में साफ़ सफाई चल रही है, सारे कामकाज चल रहे हैं, माता रानी की सेवा आज से शुरू हो जाती है सभी जगह। तो हम लोगों के भी सारे काम हो गए हैं, पूजा पाठ हम लोगों ने कर ली है, आगे की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ऐसी बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज है नया साल और नए साल की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मंदिर से। आप क्या कहना चाहेंगे? सबको नए साल हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सबके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ, सबका ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। जी हाँ, जय माता की, जय माता दी। तो चलिए चलते। पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर और बढ़िया हम लोगों ने पूजा कर ली, आरती कर ली और आज नवरात्रि की शुभ अवसर पे आप सभी को फिर से मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और नया साल और नवरात्रि आपके लिए खुशियाँ लाता रहे। तो आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों। अभी मंदिर से पूजा करके, मंदिर हमारे घर के पास ही है तो हम लोग यहाँ पे आए थे, अब पूजा करके निकल रहे हैं मंदिर से और अब जाएंगे हम महादेव के द्वार, महादेव को जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मम्मी जय भवानी जन यहाँ। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं महादेव को नए साल की बधाई देने, नवरात्रि की बधाई देने और तो चलिए, और जल चढ़ाने जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हर हर महादेव।
ये कन्या रानी हमारी कन्या, ये छोटी कन्या है, ये देख 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 ये बड़ी कन्या है। ये सबको नया साल मुबारक हो, ऐसे बोलो थैंक यू, सबको बोलो यहाँ हैप्पी न्यू ईयर। हाँ आप भी बोलो अच्छी है ये छोटी छोटी कन्या है, ये छोटी छोटी बाय करो, बाय कर देखो, बाय बाय चाची, बाय। हम भी आए, हम लोग आ गए हैं मंदिर से, अब हम भी आएंगे। तो शेरावाली के मंदिर से आने के बाद महादेव को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, और फिर कन्या रानी हमें यहाँ पे मिल गई, कन्या रानी को टीका लगाया, और फिर अब चलते हैं। और आज का दिन में बहुत कुछ होने, हिंदू नव वर्ष की आप लोगों को सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामना की बधाइयाँ। और नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है आज से, बहुत सारे लोग हरेला बोते हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी है। और हम भी बोते हैं आज हरेला, अभी हरेला बोएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। मैंने मिट्टी डाल रखी है, कल बारिश हुई थी, मिट्टी गीली हो रखी है, अभी सुखा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में बोऊंगी, फिर थोड़ी देर में बोएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे बोया जाता है हरेला, क्या क्या अनाज उसमें डाला जाता है, कितनी बार उसमें मिट्टी डाली जाती है, तो सारी चीज़ें आज मम्मी आपको बताएंगी। तो ऐसी बने रहिए हमारी वीडियो में, आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने भी जोधपुरी साड़ी पहनी हुई है, राजस्थानी आप बोल रहे हैं या जोधपुरी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिंट वैसे ये राजस्थानी प्रिंट होता है, और मम्मी ने भी यही साड़ी पहनी हुई है, और ये है माता रानी, और माता रानी ने भी यही पहना हुआ है, ये बनाए हैं मैंने। तो ये देखिए पिंक कलर का राजस्थानी मैंने माता रानी के लिए बनाया है लहंगा, और माता रानी की चुनरी, 13 अध्याय होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये है उनकी चुनरी, ये है उनका लहंगा। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को भी इसकी स्टिचिंग कटिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको देखने में, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये माता रानी के लिए हमने बनाए हैं, ये देखिए माता रानी आएंगी यहाँ से चल के, ये बढ़िया, बहुत सारे गुलाब हो रहे हैं, तो नीचे हमने पानी डाला हुआ है, ऊपर से गुलाब। तो हम लोगों की तो नवरात्रि बहुत ही अच्छी चल रही है, और नवरात्रि की आप सभी को फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसी आप अपने अपने कामों में लगे रहें और आपके सारे ही काम सफल रहें, बस हमारी यही मनोकामना है माता रानी से। तो किस किस के नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत हैं ज़रूर बताइएगा, वैसे तो सभी रखते हैं, और अगर कोई नहीं रख पाता है तो फर्स्ट तो रखता ही रखता है, कोई फिफ्थ भी रखता है, फिर लास्ट भी रखता है, तो ऐसे 3-4 व्रत रखते हैं। तो हमने तो सोचा है कि नवरात्रि आज पहली नवरात्रि रख ली है, हमने सोचा है कि पूरे 9 के 9 रखे जाएँ। तो दोस्तों आज हम दोनों आपके सामने हैं, और आप लोगों से कुछ बातें करने का मन किया, तो हम लोगों ने सोचा कि आया जाए आप लोगों के सामने। तो हम ये आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि आज है हिंदू नव वर्ष और साथ ही साथ है नवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी को हिंदू वर्ष की और नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों सबको हिंदू नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ में है नवरात्रि, और तो नवरात्रि की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम माँ शेरावाली से प्रार्थना करते हैं कि वो सबके घर में सुख शांति लाए और सबको खुश रखे, और जब सबकी जो की भी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी करे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो न्यू ईयर आता है, 1 जनवरी आती है, उस दिन सारे लोग विश करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और अपने स्टेटस और स्टोरी सब जगह न्यू ईयर ये सब कुछ करते हैं, पर वो जो न्यू ईयर है वो अपना इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके ऊपर वो नया साल मनाया जाता है, पर जो हम हिंदुओं का नया साल होता है जिसमें नया पंचांग आता है, जहाँ से नया साल शुरू। तो हैप्पी न्यू ईयर तो सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन आज के दिन हम दोनों ने सुबह से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग,
किसी का स्टेटस नहीं लगा है नए साल की बधाई हैप्पी न्यू ईयर, किसी ने नहीं। और मैं तो ये बोलूँगी कि वीडियो में ये पहली वीडियो आप देख रहे होंगे जो आपको नए साल की बधाई दे रहा होगा। एक भी चैनल आप दिखा दीजिए जो आपसे हैप्पी न्यू ईयर नए साल की बधाई देगा, हिंदू नववर्ष की बधाई आपको देगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ, अगर कोई ऐसा दिखेगा तो मुश्किल से ही दिखेगा। और हमारी ये वीडियो आज के आज ही आप लोगों को मिलेगी चैनल पे। तो हिंदू नववर्ष की कौन कौन शुभकामनाएं देते हैं, कौन कौन वीडियोस बनाता है, ये आज हम देखेंगे। तो दोस्तों आज 10% लोगों ने भी वीडियो नहीं बनाई होगी और ना ही लोग जश्न मनाते, उनको मालूम ही नहीं। हम लोग सिर्फ हिंदू होने का ढोंग रचते हैं, हमने थोड़ा सा स्टेटस में लगा लिया हम हिंदू हैं, हम ये हैं, उससे हम सोचते हैं कि हम हिंदू हो गए। पर हम लोगों को अपने रीति रिवाज, हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो पर्व हैं, उनके बारे में हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। जो चल रहा है तो चल रहा है, हम लोग वेस्टर्न साइड ज़्यादा जा रहे हैं और वो लोग जो हैं वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं और हमारे सारे रीति रिवाज त्यौहारों को वो विधि पूर्वक पूरा अच्छे से जो पूरा विधि होती है उस हिसाब से वो लोग पूरा करते हैं। शायद हमें भी नहीं पता होगी वो इतनी अच्छे से सारी विधि पूर्वक आगे की बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं। हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से जो विधि पूर्वक है वो मनाइए। सिर्फ सेल्फी लेने के लिए, स्टेटस डालने के लिए या स्टोरी डालने के लिए वो नहीं किया। इससे पहले अभी होली आई थी, हमने देखा होली में हमारे पहाड़ी लोग यहाँ पर जो भाबर में या प्लेन्स में बस गए हैं वो लोग होली मना रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। उनके हाथों में दारू की बोतलें हैं और हिंदी गानों में वो लोग डांस कर रहे हैं। किसी ने, मैं आपको ऐसे ऐसी वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें कोई होली का कोई शब्द ही नहीं है, वो हिंदी गानों में। तो वेस्टर्न से हम लोग सारी चीज़ें ले रहे हैं, उनका पहनावा, खान पान, उनके त्यौहार सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है उनके भी लीजिए, लेकिन जो हिंदू हैं हम सभी लोग तो उसको भी आप लोग आगे ले जाइए, उनके त्यौहार बढ़ाइए, पहनावा दिखाइए। त्यौहार में जो जो, जैसे होली के लिए अभी हमने बोला, तो होली में जो जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि दारू की बोतल लेके ही आप लोग होली मनाएं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं होली में मनाने के लिए। और नववर्ष है आज, तो हमने यही जो लोग मानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं तो इस कल्चर को आगे लेके जाइए, बढ़ावा दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, आने वाली जो पीढ़ी है उन लोग को सिखाइए और जो पुराने लोग हैं उनसे सीखिए। हम लोग तो बस यही कहेंगे। तो दोस्तों हमारे आपसे यही प्रार्थना है कि विधि पूर्वक कीजिए, अच्छे से कीजिए, इसी में सब कुछ है। जो हमारा धर्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और आप इसको अपनाइए, इसकी जो रीति रिवाज त्यौहार पर। और दोस्तों हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर आप त्यौहार मनाएंगे, हिंदू सिर्फ कहेंगे ही नहीं, उनको फॉलो भी करेंगे जो उसके अंदर चीज़ें आती हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सच में बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार करके तो देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी बने रहिए हमारी वीडियो में आप। और ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक के लिए है कि सबको बताने के लिए, जो जो हमने इसमें बात रखी है आपके सामने, जो जो पॉइंट रखे हुए हैं, प्लीज़। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ऐसी अपना प्यार बनाए रखिए और लोगों तक पहुँचाइए कि क्या होता है हिंदू धर्म, और इसे आगे बढ़ाने में हमें ही प्रयास करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो एक जन के प्रयास से कुछ नहीं होने का, तो सारे लोग मिलजुल के जब आगे आएंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी, अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, आप लोग बताइए अपने कमेंट। सबसे पहले तो आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में जो हमने बोला, उसमें आप ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। हम लोग को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो मिलते हैं आपसे।